पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए। एक बार तो ऐसा लगा कि वित्तीय समस्याओं के कारण एथेंस से ये खेल निकलकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट चले जाएंगे। पहले यह तय हुआ था कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1900 में पेरिस में आयोजित होंगे, लेकिन 4 साल पहले ही ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए एथेंस को चुना गया। हालांकि खेल शुरू होने से पहले ही यूनान गंभीर वित्तीय संकट में फंस गया था। उस साल हंगरी अपनी 1000वीं सालगिरह मनाने की तैयारी रहा था और उसने यूनान की जगह अपने यहां ओलंपिक आयोजित कराने की पेशकश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूनान के राजकुमार ने ओलंपिक आयोजन समिति का गठन किया और उसके बाद समिति को बड़ी मात्रा में सहायता राशि मिली। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया। ज्यादातर मुकाबलों में मेजबान देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रमुख मुकाबलों में शामिल थे टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, कुश्ती, तीरंदाजी, तैराकी और जिम्नास्टिक। क्रिकेट और फुटबॉल प्रतियोगिताएं इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली टीमों की कमी थी। मुकाबले में जीतने वालों को सिल्वर मेडल, एक प्रमाण पत्र और ओलिव के पत्ते दिए जाते थे। दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिए जाते थे, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों को खाली हाथ लौटना पड़ता था। पहले ओलंपिक पदक विजेता बने अमेरिका के जेम्स ब्रेंडन कोनोली। उन्होंने ट्रिपल जंप में 13.71 मीटर छलांग लगाकर जीत हासिल की थी। यूनानी लोगों के जबरदस्त उत्साह के कारण पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों को काफी सफल आयोजन माना गया।